सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y100A डिवाइस के अंदर आप अपने फोन के अंदर फुल डिस्प्ले एप्स कैसे यूज कर सकते हो। मींस कि अगर आपको भी अपने फोन के अंदर फुल डिस्प्ले में कोई वीडियोस देखनी है किसी भी वीडियो प्लेयर के अंदर, तो आप बिल्कुल ही आसानी से आप कर पाएंगे। इवन किसी भी ऐप को आप फुल डिस्प्ले में कर सकते हैं। वेल गाइस, चलो इसका हम डेमो करते हैं और अब आपको दिखाते हैं कैसे हमें फुल डिस्प्ले एप्स को यूज करना है अपने डिवाइस के अंदर। फुल डिस्प्ले एप्स को हम यूज करें उससे पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहूंगा। मेरे पास एक वीडियो प्लेयर है जो है एमएक्स प्लेयर एंड मैं इसको ओपन करूंगा इस तरह से एंड मेरी कुछ वीडियोस हैं, इसको हम प्ले कर लेते हैं। अब इसको हम जितना भी जूम आउट कर लेंगे इस तरह से जूम आउट हो रहा देख सकते हैं प्रॉपर। तो अगर आप यहां पर जूम आउट करके देखेंगे तो हमारे अभी कैमरे का जो फीचर यहां साइन है वो यहाँ पर सिर्फ वही चीजें हैं, बाकी सारी की सारी आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही है। तो ये चीजें कैसे हो रही हैं एंड अगर आप इस तरह से जूम करने पे आपका वो प्रॉपर नहीं होता तो मैं आपको बताता हूं उसे करना कैसे है। देखो, आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और फुल स्क्रीन में हो जाएगा, वीडियो प्लेयर भी है तो आप उसको स्क्रीन से जूम करके आसानी से फुल डिस्प्ले में कर सकते हैं। उसके लिए आप सेटिंग्स को प्रेस करेंगे। अब यहां पर आने के बाद आपको करना क्या, देखो यहां पर मेन सेटिंग पर चलते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स पर आना, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग को ओपन करना, इस तरह से इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आना, इसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे नीचे, फुल डिस्प्ले फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ एप्स है। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो पहले से इनबिल्ड होती हैं फुल डिस्प्ले में, तो ये यहां पर तीनों एप्लीकेशन दिख जाएगी, ये जब भी आप ओपन करके यूज करेंगे फुल डिस्प्ले में ही मिलेंगी, तो इसमें हम ज्यादा बात नहीं करते। फिलहाल नीचे आएंगे तो मान लीजिए ये जो एप्लीकेशन है, अब ये ऑटोमेटिक फिटिंग सेक्शन के अंदर सारी चीजें आती हैं। जैसे कि देखो ऑटोमेटिक फिटिंग है, डिजी लॉकर हमारे पास है, ये ऑटोमेटिक फिटिंग है। तो अब ये जब हम भी ओपन करेंगे डिजी लॉकर ऐप को तो ये जिस तरह से वो मॉडिफिकेशन हुई होगी उसकी ऑटोमेटिक फिटिंग में ही ओपन होगा। लेकिन अगर यहां पर डिस्प्ले दी कैनकेव एरिया को आप सेट कर देते हैं तो जो आपका कैमरे का टॉप एरिया है जहां पर कैमरा है वो जो लाइक वहां पर जो पार्ट है एरिया है वो छोड़कर बाकी पूरे डिस्प्ले में ये एप्लीकेशन रन करेगी। तो ये सेटिंग से भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ आपको हाइड कैनकेव एरिया का भी सेक्शन है। जो एप्लीकेशन फुल डिस्प्ले में है उनके भी आप ऑटोमेटिक फिटिंग के अंदर ला सकते हो। जैसे कि जो मैंने आपको पहले दिखाया, तीन एप्लीकेशन थी जो फुल डिस्प्ले में पहले से थी, अगर आप उसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं यहाँ पर तो आप उसको भी हाइड कर सकते हैं और इसको ऑटोमेटिक फिटिंग सेक्शन में ला सकते हैं। तो ये इसमें आपको यूज करना गाइस काफी आसान है, इस तरीके से आप फुल डिस्प्ले में कर सकते हो। एंड देन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप वीडियो प्लेयर का एक्सेस करते हैं, एमएक्स प्लेयर हो गया या फिर कोई भी वीडियो प्लेयर है, आप उसमें स्पिन जूम करते हैं तो फुल नहीं होता, तो फुल डिस्प्ले में आप इस तरीके से कैनकेव एरिया को सिलेक्ट करके सेकंड वाले को फुल डिस्प्ले में आप आसानी से कर पाएंगे। आई थिंक आप समझोगे फुल डिस्प्ले एप्स कैसे यूज करना है वीवो के Y100A डिवाइस के अंदर।